हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे अडेनियम प्लांट पे बात करने वाली हूँ। तो अभी विंटर जैसे कि बहुत ही मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है। तो अभी हमारे जो अडेनियम है, क्योंकि जो विंटर सीजन है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो विंटर में हमको किस तरह से इनकी केयर करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट हेल्दी रहें और अच्छी ग्रोथ करते रहें। वैसे थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड होता है इनका, लेकिन मेरे प्लांट ऐसे कुछ डोरमेंसी में चले गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। कुछ में देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, सीड पॉट भी बन रहे हैं। ये मेरा ग्राफ्टेड अडेनियम है, इसमें तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है बिल्कुल से। तो और सभी में पत्तियां भी हैं काफ़ी अच्छे से, देखिए काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। कुछ मेरी जो न्यू इस साल की ही सीडलिंग थी फरवरी की, उनमें देखिए कलियाँ आ गई हैं। एक प्लांट ये वाला, और इसमें शायद वाइट या फिर येलो कलर के जो कलियाँ हैं वो दिख रही हैं, जबकि ये इसी कलर के फ्लावर के सीड मैंने ग्रो किए थे। और ये जो दूसरा प्लांट है, सेम सीड है दोनों के, एक में पिंक कलर की कलियाँ आई हैं और एक में वाइट कलर की कलियाँ आई हैं। अब ये वाइट या फिर येलो कुछ ऐसा ही खिलने वाला है। इसके पत्ते देखिए सारे गिर गए हैं, और कुछ के तो बिल्कुल देखिए कितने ज़्यादा बुसी हुए हैं पत्ते, बिल्कुल मतलब कि इनके बिल्कुल भी पत्ते नहीं गिरे हैं। तो और ओपन ऐसे ओपन एरिया में रहता है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे मेरे प्लांट रखे हुए हैं, कोई मैंने इस कवर्ड एरिया नहीं चुना है इनके लिए। धूप भी अच्छी इनको लगती है यहाँ पर। तो अभी जो विंटर का टाइम है, इनको धूप बहुत अच्छी मिलनी चाहिए तभी इनको, क्योंकि धूप अच्छी अडेनियम प्लांट को धूप बहुत ही पसंद है, इसलिए समर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और फ्लावरिंग देखिए लगभग सभी में हो रही है, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं, इनमें भी कलियाँ आ रही हैं, फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, पर देखिए सभी ब्रांच पे कलियाँ और फ्लावर है। ये देखिए जितनी ब्रांच आपको दिखेंगी, और ये भी मेरा न्यू प्लांट ही है, इसमें भी देखिए अभी न्यू कलियाँ आ रही है। मेरे न्यू प्लांट है सारे, तो इसको मैंने पानी नहीं दिया है कई दिनों से। तो जब इस कंडीशन में आपके प्लांट हों, तो इस कंडीशन में अगर प्लांट है तो इनको पानी देना ज़रूरी है। तो मैं भी इनमें पानी थोड़ा मॉइस्चर बना के रखती हूँ ताकि मेरे प्लांट हेल्दी होते रहें, नहीं तो क्या होगा इनका कोडेक्स सिकुड़ जाएगा और आपके प्लांट धीरे धीरे गल करके ख़राब होते जाएंगे। तो पानी आप दीजिए, थोड़ा सा चेक करके दीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे हम बाकी के टाइम में इनको एक मग पानी दे देते थे, तो अभी हमको आधा मग देना है, आधा ग्लास देना है, इस तरह से थोड़ा पानी दीजिए। और मेरे तो इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, सभी में लगभग फ्लावरिंग हो ही रही है। तो मैं इनको पानी, जैसे मिट्टी थोड़ी सी ड्राई लगती है तो मैं इनको पानी दे देती हूँ। तो अभी क्या चीज़ है, अभी आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इनको पानी के साथ ये जो फंगिसाइड है ये भी ज़रूर दीजिए। आज मैं भी देने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। इसको एक चम्मच फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में मिक्स करके ये देखिए कितना पानी हमने मिक्स कर लिया इसमें, और ये फंगिसाइड पाउडर। तो जब भी पानी दें आप अडेनियम में, जब भी क्या मतलब कि 15 दिन में कम से कम इसको, इस पानी को आप ज़रूर दीजिए अपने अडेनियम के प्लांट में। तो बाकी तो मैंने सुबह इनमें देखिए दिया है पानी, अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। मैं जब दे रही थी तो मुझे याद आया कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ इसे। तो ये देखिए मेरा बड़ा सा प्लांट है, और इसी तरह से मैं इसको पानी देती हूँ, क्योंकि इसे बिल्कुल जगह नहीं है गमले में। तो ये आप फंगिसाइड वाला पानी दीजिए, इससे क्या होगा प्लांट में बिल्कुल फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे और आपका प्लांट हेल्दी ग्रो होता रहेगा, पाला कोहरे का असर भी नहीं होगा, अच्छी सनलाइट मिलेगी, तो प्लांट आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इनको ऐसी जगह पे रखिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसके लिए पॉली हाउस भी बना सकते हैं, ऊपर से आप इसमें पॉलीथीन कवर कर सकते हैं, या तो कवर्ड एरिया में उठा करके, अगर 2-4 प्लांट है तो आप उनको डेली अप डाउन कर सकते हैं, उनको रोज़ धूप में रख के और शाम को रात को छाया में रख सकते हैं। लेकिन जब काफ़ी सारे प्लांट होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप ऊपर से भी कवर कर सकते हैं। मैंने भी नहीं किया है, मेरे यहाँ पर भी है, थर्ड फ्लोर पर भी, मैं आपको भी अपने प्लांट दिखा दूँगी, सारे ऐसे ओपन एरिया में हैं। तो उनकी भी पत्तियाँ थोड़ी सी येलो हो रही, क्योंकि इस समय जो ठंड है, बिल्कुल फॉग, बिल्कुल धुंध कोहरा इस समय सब चालू हो गया बिल्कुल से, तो ये जो मौसम होता है अडेनियम प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो जितने भी प्लांट हैं जिनमें मैंने नहीं दिया है, जिनमें मैं दे चुकी हूँ उनमें नहीं दूँगी, इसको भी मैंने दे चुकी हूँ सुबह ही अभी थोड़ी देर पहले। तो थोड़ा सा पत्तों को बचा कर देना चाहिए, लेकिन अभी ये सूख जाएगा क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है पत्तों से, और क्योंकि मेरे पास बन नहीं रहा था यहाँ पे, एक तो पिटूनिया भी रखा हुआ है साथ में और बाकी के प्लांट भी रखे हैं। और जितने भी प्लांट हैं मैं सभी में दे दूँगी ये फंगिसाइड वाला पानी, जिन प्लांट में पानी की ज़रूरत है। ये देखिए मेरा काफ़ी दिनों से इसको मैं पानी नहीं दे पाई हूँ, बीच में रखा है, ध्यान ही नहीं गया इसमें। देखिए इसे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है, देखिए नई कलियाँ आ रही हैं। तो बस
आपको फंगीसाइड ज़रूर देना है। आप चाहे तो प्लांट में भी स्प्रे कर सकते हैं। आप ऐसे सुबह के टाइम ही कर दीजिए, शाम के टाइम मत करिए, शाम को करेंगे तो सूखेगा नहीं फिर, तो सुबह टाइम कर दीजिए या तो फिर 3-4 बजे तक कर दीजिए। इस समय तो मौसम इतना ठंडा है कि पता ही नहीं चलता धूप है या नहीं है, तो इस वजह से ये देखिए इसमें भी हमने दे दिया। इसके भी गमला पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ये देखिए। इसी तरह से आपको अगर पानी देते हैं तो फंगीसाइड वाला पानी ज़रूर दीजिए। ये वाला मेरा प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये, और इधर इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। तो जितने भी मेरे प्लांट थे यहाँ पर मैंने सबको दे दिया है। अब ऊपर देखते हैं हम कौन से प्लांट मेरे बचे हुए हैं। अभी यहाँ पर भी देखिए मेरे काफ़ी सारे प्लांट रखे हैं, तो कुछ को तो मैंने सुबह पानी दे दिया था नॉर्मल पानी, और कुछ को देखिए मैं यही फंगीसाइड वाला पानी दे दूँगी जिन्हें नहीं दिया है। और इसमें मेरा एक बड़ा प्लांट है, देखिए यहाँ पर भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए कितना सुंदर सा कलर है। और इसका देखिए कोडेक्स बिल्कुल सिकुड़ गया है, पानी देना मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिया। अगर इस कंडीशन में आप पानी नहीं देंगे, प्लांट अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है, तो प्लांट आपका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा आप अपने प्लांट को पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही दीजिए लेकिन दीजिए, मिट्टी बिल्कुल एकदम से ड्राई मत होने दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है पानी कि आपका प्लांट गल करके ख़राब हो जाए। ये देखिए इसका कोडेक्स भी थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, तो ये विंटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट में। और यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा और फंगीसाइड बना के लाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सारी सीडलिंग में भी दे दूँगी। देखिए कुछ प्लांट तो मेरे बिल्कुल गीली है मिट्टी, उनकी मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही दिया था, कुछ की बिल्कुल सूखी है, तो मैं इसको ला करके दे दूँगी पानी अभी। तो ये देखिए ये हमारी सीडलिंग है, इनमें भी हम इस तरह से दे देंगे, बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी सैपलिंग है मैं सभी में ये अपना फंगीसाइड वाला पानी दे दूँगी। तो बस आपको यही करना है, ध्यान रखना है, आप इस तरह के बिल्कुल इनको सूखने मत दीजिए, और ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन पानी एकदम से ड्राई भी नहीं रखना है, नहीं तब भी प्लांट आपका गल करके ख़राब हो जाता है। मेरे भी एक दो प्लांट इसी तरह से गल करके ख़त्म भी हो गए, देखिए ये पॉलीथीन में खाली हो गया मेरा, और ऐसे सूख गई थी मिट्टी बिल्कुल से, तो वो कोडेक्स बिल्कुल ढीला सा होकर के ख़राब हो गया। तो थोड़ी सी केयर इनको हमेशा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल चेक करते रहना है, रोज़ ही चेक करना है। एक दिन 2 दिन भी गैप हो गया तो थोड़ा सा मतलब कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसका कोडेक्स कब ख़राब हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, आप इनको चेक करते रहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक चक्कर ज़रूर अपने एडेनियम के प्लांट के पास लगाइए, ताकि आपको प्लांट दिखता रहे कि हेल्दी है या नहीं है, कैसी ग्रोथ हो रही है उसकी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जिन प्लांट की मिट्टी गीली उनमें तो नहीं दूँगी, और जिनमें सूखी है मेरा कलेंचो का प्लांट है इसमें भी डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी जो सैपलिंग थी, सीडलिंग थी मेरी, सभी मैंने दे दिया, और इनको थोड़ा सा और ओपन एरिया में रखना पड़ेगा। इधर डहलिया की छाया पड़ रही है तो बिल्कुल धूप भी नहीं लग रही है अभी, दोपहर में लगेगी जब इस साइड धूप सूरज देव आ जाएंगे तो, लेकिन आधे में लग रही है, आधे प्लांट में नहीं लग रही है। तो इनको सनलाइट बहुत ज़रूरी है, आप प्लांट को सनलाइट में ही रखिए। और यहाँ पर देखिए मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, 3-4 कटिंग मैंने एक साथ ही लगा दी थी। ये भी थोड़ा क्योंकि थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ है तो ठंड का असर तो होगा ही, इतना खुले एरिया में रखा है तो इसकी मिट्टी गीली है, फिर भी थोड़ा सा फंगीसाइड दे देती हूँ। और एक ये मेरा बड़ा सा प्लांट है, इसमें एक सीड पॉट भी बना हुआ है, इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। इस तरह से हमने डाल दिया, तो बस थोड़ा सा फंगीसाइड का आपको ध्यान रखना है प्लांट पे अपने, और बस इतनी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके गार्डन में एडेनियम आपके बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होते रहेंगे। आप चाहे तो इनको कवर कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो सके तो, और नहीं तो आप चलते रहने दीजिए। एक दो चार प्लांट है तो आप बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं उनकी। मेरे पास भी थोड़ा ज़्यादा प्लांट है, कुछ प्लांट तो मैं नर्सरी में भी दे आई हूँ, उसके बाद भी मेरे पास अभी बहुत सारे प्लांट हैं, और मुझे एडेनियम का कलेक्शन करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद है ये प्लांट। तो मैं अपने गार्डन में भविष्य में और एडेनियम ऐड करना चाहूँगी, कुछ ग्राफ्टेड वाले भी मैं लेकर आऊँगी इस साल, वैसे मेरे पास अभी एक ही प्लांट है। तो बस आज के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये मेरा गार्डन है जो कि पूरा इस समय फूलों से भरा हुआ है।